कुर्बानी का गोश्त आप खाते हैं और हड्डियों को अपने गले में उठाकर ना डालने। तमाम मुसलमानों को गवर्नमेंट खाजी रायचोटी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से बकरीद की ईद हमें अदा करने का मौका अल्लाह ताला अता फरमा रहे हैं। रमज़ान की ईद 8:30 बजे हुई थी और ईदुल अज़हा 8 बजे ईदगाह में होगी। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और सब मिलजुल के ईदगाह में ईद अदा करें। हालात बिगड़े हुए हैं, हालात की वजह से मुसलमानों का रोब गैरों पर भी पड़े, इसलिए ईदगाह में अपनी यकजहती और इत्तेफाक व इत्तेहाद का सबूत देते हुए ईदगाह में सब मिलजुल कर ईद अदा करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे मस्जिदों में लोग ईद अदा करते हैं, अफजल नमाज ईदगाह में पढ़ना अफजल है। और दूसरी बात यह है कि बकरीद में हम गुज़िश्ता सालों की तरह से जिस जानवर की कुर्बानी मना थी, मना है और मना रहेगी, उसका ख़ास तौर पर ख़्याल करना चाहिए। वो गाय की कुर्बानी है और उसके अलावा पहले ऊँट भी अदा करते थे, अब ऊँट भी फराहम नहीं होंगे, ऊँट की कुर्बानी भी आपसे अदा नहीं होगी। अफजल कुर्बानी तो जानवर की, उस जानवर की है जो जानवर, जिस जानवर का गोश्त हम खाते हैं उसकी कुर्बानी अदा करना अफजल कुर्बानी है। और कुर्बानी में सबसे अफजल तरीक़ा यह है कि कुर्बानी अदा करना अपने हाथ से कुर्बानी के जानवर को ज़बह करें, और कुर्बानी अदा करते हुए इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, गंदगी ना फैलाएं और गैरों को जो अपने साथ रहते हैं, अपने भाइयों को भी, किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। कुर्बानी का गोश्त आप खाते हैं और हड्डियों को अपने गले में उठाकर ना डाल लें, इसका ख़ास तौर पर ख्याल करें। पाकी सफाई और कुर्बानी के लिए म्यूनसिपाल्टी की तरफ से जिन जगहों में इंतज़ाम किया गया है और जिनको सहूलत नहीं है वो वहाँ अदा करें और गोश्त लाकर अपने घरों में तकसीम कर लें, अपनी जगह में कर लें। लेकिन कुर्बानी करते वक्त, कुर्बानी देते वक्त ख़ास तौर पर गरीबों का ख्याल करें,